वेलकम टू माई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इज द नेम ऑफ द टॉपिक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का अपलोड होगा। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 का अपलोड हो चुका है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियंस टू डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 में इसका वाइस वर्सा है बेसिकली। अब यहाँ पे हम रेडियन गिवन है, हम आंसर डिग्री में लाएंगे, 3π/4। वेरी सिंपल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3π/4 को 180 डिवाइड बाई पाई के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 × 180 / 4। तो जब इसका सिंपलीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, यू मस्ट यूज कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन, सो 135 डिग्री विल बी द आंसर। पार्ट टू में आपके पास है 5π/6। ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है, आपने सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क आएगा। 5π/6 × 180/π, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 180/6, आप इसका करेंगे कटिंग, आपने कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर यूज करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। पार्ट थ्री में है 7π/8। सॉल्यूशन देखिए, 7π/8 × 180/π, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हम करेंगे 7 × 180/8। आप सिंपल इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, 157.75 डिग्री विल बी द आंसर। पार्ट फोर्थ, 13π/16। 13π/16 × 180/π, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट। इसके बाद 13/16 × 180, आप चूंकि कैलकुलेटर इस क्लास में अलाउ होता है, अब ये सारे का सारा काम कैलकुलेटर से ही करेंगे। 180 को 13 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको 16 के साथ डिवाइड करेंगे, देन 146.25 डिग्री विल बी द आंसर। नेक्स्ट है 3 radians, 3 radians × 180/π, देन वन सेंस 1 radian = 180π होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पाई का इसके साथ मिसिंग है, मैं ये यहां से कॉपी कर लेता हूं। थ्री लाइक दिस, 3π radian, और यहां पे भी आपके पास पाई आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, 180 × 3। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे पाए सिरे से है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे 3 radian है, सिर्फ पाए साथ नहीं है। आपने पाए का ये वाला वैल्यू जो है लेना है 22.7, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे इसके साथ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो सिंपलीफाई करेंगे, 171.8869 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट है 4.5 radians, 4.5 × 180/π। अब आप इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, 4.5 जो है उसको आप पॉइंट खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 10 किया, और ये जो पाई है इसका वैल्यू होता है 22.7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 7 ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 22 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू आर सपोज टू फाइंड द आंसर, 257.83 डिग्री विल बी द आंसर। पार्ट सेवेंथ, -7/8π,
-7 अपॉन 8 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 315 डिवाइड बाई 2 माइनस के साइन के साथ 157.5 इसके साथ डिग्री भी आएगा। यहाँ से डिग्री में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिग्री का साइन दिया जाएगा। पार्ट 8 -13/16 पाई -13/16 पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 × 180/16। कैलकुलेटर से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे, और -146.25 डिग्री इज द आंसर। इसके साथ ही इस वीडियो का कंप्लीशन होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उसके लिए थैंक्स अलॉट। आपने मेरे चैनल पे कमेंट करने हैं और मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करने हैं, और ख्याल रहे कि मेरे वीडियोस का आपने अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलो के साथ शेयरिंग भी करना है। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, विच इज़ 0321-58-38-264। थैंक यू वेरी मच।